राजकीय महिला डिग्री कॉलेज के वार्षिक उत्सव पर समारोह में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। छात्राओं ने सामूहिक एकल नाटक कव्वाली से सभी का मनोरंजन किया। भाग लेने वाली महाविद्यालय की छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। बांदा के राजकीय महिला डिग्री कॉलेज में बुधवार को 43वां वार्षिकोत्सव समारोह चोरी चौरा के क्रांतिकारियों और लामा गांव के शहीद विकास कुमार को समर्पित रहा, जहां वार्षिकोत्सव समारोह के दौरान विभिन्न कक्षाओं की छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए छात्राओं ने देश की विभिन्न संस्कृति की झलक दिखाई, जहां राष्ट्रीय चेतना, नारी सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा, कव्वाली, सामूहिक और एकल नृत्य और नाटक से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें, शहीद सैनिक विकास कुमार की पत्नी नंदिनी ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बीएससी की टॉपर छात्रा हिना खानम को सम्मानित भी किया। इसके अलावा चालू शिक्षा सत्र में महाविद्यालय की चैंपियन छात्रा पूनम देवी के साथ विभिन्न विभागीय परिषद की प्रतियोगिताओं की मेधावी छात्राएं व कोरोना काल में सेवा कार्य करने वाली रेंजर्स व एनएसएस छात्राएं सम्मानित की गयी। वहीं प्राचार्य डॉ दीपाली गुप्ता ने कहा कि महाविद्यालय का प्रयास है कि छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर बनकर देश और समाज निर्माण में भागीदारी करें। इसके पूर्व अमर शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बता दें, महाविद्यालय की सांस्कृतिक समिति सदस्य डॉक्टर ज्योति मिश्रा, डॉक्टर अंकिता त्रिपाठी और डॉक्टर सपना सिंह ने सर्वोत्तम प्रस्तुति देने वाले को ₹3,000 का नगद पुरस्कार दिया। वहीं महिला चिकित्सक डॉक्टर सवाना रफीक और महाविद्यालय की प्रवक्ता डॉक्टर सविया रहमानी ने अपनी दिवंगत माँ के स्मृति में चयनित छात्राओं को सम्मानित किया। नाम है आपका और ये विद्यालय कौन सा है और यहाँ किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? मैं डॉक्टर दीपाली गुप्ता, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्या हूँ और आज जो है हमारे महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक वर्ष पूर्व आज ही के दिन लामा गांव के विकास कुमार शहीद हुए थे, तो हमने पहले ही सोचा कि ये वार्षिकोत्सव हम उनके नाम करेंगे और आज के दिन उनकी माँ, पत्नी और बेटी को अपना मुख्य अतिथि बनाएंगे ताकि हम पूरे सम्मान के साथ उनकी शहादत को याद कर सकें। और इस उपलक्ष्य पे आप मेरे सामने देख रहे होंगे, उनकी पत्नी है, बेटी है और माँ है। और बस किस तरह के आयोजन हुए हैं आज यहाँ पर? यहाँ पर हमने चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को भी याद करके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स प्रिपेयर कराए हैं जिसमें हमारे आज़ादी के शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी दी जाने वाली थी वो वाली घटना पर है। उसके अलावा स्त्रियों पर जो एसिड अटैक जैसी घटनाएँ हो रही हैं उन पर एक कार्यक्रम केंद्रित है। उसके अलावा एक दो हमारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनसे समाज को ये प्रेरणा मिले कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए। और कुछ मनोरंजक कार्यक्रम भी हमारी छात्राओं ने तैयार कराए हैं जिसमें राधा कृष्ण का नृत्य है और कुछ एकल और बहुत सारे ग्रुप डांसेस भी हैं। क्या नाम है आपका? हिरा खानम। हिरा खानम जी, आज आपके बारे में पता चला है आपके वार्षिक महोत्सव में कि आपने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी टॉप किया है। जी जी। किस सब्जेक्ट में टॉप किया? सारे सब्जेक्ट में टॉप किया। अपने आपको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है आज? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा था कि मैंने इस कॉलेज से अपना बीएससी कंप्लीट करा, तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। अपने पीछे आने वाली छात्राओं को किस तरह से प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? उसमें यही कहना चाहूँगी, अपना पूरे से पूरा हार्डवर्क करें, पूरी लगन से मेहनत करें और कभी भी ये डाउन टूवर्ड ना हुआ करें और हमेशा मेहनत के लिए आगे बढ़े। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।